गाइस काफ़ी टाइम से मेरे पे इंस्टा पे इस चीज़ की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई बाइसेप पीक पे वीडियो बनाओ कि हम घर पर ही बाइसेप पीक कैसे ट्रेन करें, वो भी बिना किसी वेट के ना किसी डंबल के। तो गाइस आज की मेरी वीडियो इसी के ऊपर है। आज मैं आपको ऐसे 3 एक्सरसाइज कराऊँगा जिससे आपके बाइसेप पीक बहुत अच्छे ट्रेन होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा मेरी ये इंस्टा आईडी फॉलो भी जाके फॉलो करो, और साथ में इस वीडियो से कोई भी न्यू क्वेश्चन या फिर कोई क्वारी हो जाके लिख दे करो, उस पर वीडियो बनेगी। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए। उस एक्सरसाइज के लिए हमें 2 ब्रेक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम वो ले लेते हैं। लेने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि इसका वेट बहुत हल्का है, तो आपको माइंड मसल कनेक्शन लगाना होगा अपनी मसल के साथ। तो आपको फिर इस पोजिशन पर आ जाना। इस पोजिशन पर आने के बाद अपने हाथों को पीछे ले कर ये चीज़ करनी है, ये चीज़ और बड़े स्लो में ऊपर लाना है। 1 वैसे पीक पे काफ़ी से पड़ रहा है इस वाले एक्सरसाइज, और पूरा बैंड करिए और पूरा ऊपर पुल करिए ऐसे करते हैं। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज बाइसेप पीक की। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। बाइसेप पीक के लिए जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए भी हमें ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी, तो ले लेते हैं। और एक चीज़ हाँ गाइस, क्या कहते हैं कि हमारे बाइसेप के भी बहुत पार्ट्स होते हैं और हमें सारे पार्ट्स को ट्रेन करना चाहिए। पीक के साथ साथ हमारे ट्रेस है भी हैं जिस जो हमारे बाइसेप को परफॉर्म करता है दिखाने में, ऐसा आप देख सकते हो ये चीज़ भी। तो ट्रैप्स तो अभी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, अगर जिसने ट्रैप्स की वीडियो देखी तो ट्रैप्स भी आगे देखिए। और साथ में जो ओवरऑल हेड जो है बाइसेप का वो मैं ट्रेन करना सिखाता हूँ कैसे ट्रेन करूँ। तो उसके लिए आपको 2 ब्रेक्स ले लेना। लेने के बाद अपने हाथ स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट रख के ये चीज़ बड़ा स्लो में रैप्स लगाइए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये थी सेकंड एक्सरसाइज। अब चलते हैं तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। हमारी लास्ट एंड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बाइसेप पीक के लिए, उसके लिए भी ब्रेक्स की जरूरत पड़ेगी, तो ले लेते हैं। पर आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है बड़े ध्यान से करनी होगी क्योंकि उसमें आपके शोल्डर में भी इंजरी होने का डर हो सकता है। तो जैसे मैं करूँ वैसे करना है। तो ये 2 ब्रेक्स लेने के बाद आपको टाइम हो जाना अपने आँखों के ऊपर हाथ रखने के बाद बड़े स्लो में रैप्स लगाने। इससे क्या सीधा बाइसेप के ऊपर फर्क पड़ेगा, बाइसेप पीक के ऊपर। इस एक्सरसाइज में ये सब में बेस्ट एक्सरसाइज है। और आपको अपने हाथों को ध्यान रखना है, आपके हाथ खुलने मिलते हैं शोल्डर से। तो ये गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं ये 3 एक्सरसाइज करने से मेरे बाइसेप पीक पे कितना फर्क पड़ा, देख सकते हैं। तो गाइस आप इन तीनों एक्सरसाइज को हफ्ते में 3 दिन फॉलो करिए, और साथ में 3 से 4 सेट लगाइए, साथ में 15 से 17 रेप्स लगाइए एक्सरसाइज के। अभी तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, और साथ में इंस्टा पर फॉलो करो ताकि कोई न्यू वीडियो या न्यू कुछ बताना हो या फिर कोई डाइट वाइट बतानी हो तो उसमें लिख दो, उसमें वीडियो बनी थी, वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो लव यू ऑल।